नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और यूपीपी, लेखपाल, एएनएम आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करना और अपनी सफलता के लिए एक सीट अवश्य प्राप्त करना। हम आपको एक सीट दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो रिपीट नोट्स बुक किए हैं, जिनको एक नोट्स प्राप्त हो चुका और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने रिपीट जो है मतलब नोट्स बुक किए हैं अदर सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहली सूचना है आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये होता है, जब कोई चीज़ें होने को होती हैं तो कुछ लोग जो है मतलब डिजिटल स्ट्राइक, फलाना स्ट्राइक, धमाका स्ट्राइक, ये सारी चीजें करने लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे तत्व हैं जो कि लोक सेवा आयोग हो, चाहे चयन बोर्ड हो, चाहे पीएनपी हो, पहुंच करके ये कहना शुरू कर देते हैं, विज्ञापन नहीं अधियाचन लीजिए। हद है मतलब, अरे विज्ञापन आने दीजिए, जितने पदों पर आ रहा है उतने पदों पर ही विज्ञापन आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पद तो बाद में भी घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, वो तो स्पष्ट विज्ञापन में भी लिखा रहता है ना कि पदों की संख्या घटे अथवा बढ़ सकती है। तो जितने पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए शासन तैयार है उसको विज्ञापन आने दीजिए। डिजिटल स्ट्राइक करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जिस तरीके का कंटेंट बना करके सिस्टम को जो है मतलब हाशिए पे लाना चाह रहे हो, ठीक है, वो सिस्टम जो है मतलब उतना हाशिए पे जाने वाला नहीं है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि छात्र हित का जो मुद्दा होता है, छात्र हित का मुद्दा सर्वोपरि होना चाहिए, उसमें राजनीति किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। और यदि आप राजनीति उस पर कर रहे हैं, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ही मुद्दा जो है फंसा है एलटी ग्रेड 2018 कला विषय के चयनितों का, उसमें भी बहुत राजनीति हो रही है, तमाम तरीके की राजनीति हो रही है। उसमें कई ग्रुप हो गए हैं, टेक्निकल का अलग ग्रुप हो गया, फाइन का अलग ग्रुप हो गया है, बीएफए का अलग ग्रुप हो गया, प्रावधिक का अलग ग्रुप हो गया है, और सब अलग अलग नेता पकड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जहां पे छात्र हित का मुद्दा हो वहां पे सर्वोपरि छात्र हित ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी दुआएं मिलती हैं ना मेरे भाई, जिन दुआओं की कीमत आप लाखों लाख रुपयों से भी नहीं लगा सकते। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती एकदम कंफर्म हो चुकी है कि आपका विज्ञापन जो है वो किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। आज लोक सेवा आयोग में वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भी हमारी टीम गई थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए। और जो ये एक अफवाह उड़ाई गई थी कि चयनितों की फाइलें शिक्षा निदेशालय ने कला विषय के भेज दी हैं वापस लोक सेवा आयोग को, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी टीम पर्सनली रूप से लोक सेवा आयोग उपस्थित हुई थी। सारी चीजें क्लियर हैं, नियुक्तियां आप लोगों को मिलेंगी, विज्ञापन भी आपका निश्चित ही आएगा, लेकिन उन विज्ञापन के लिए आप कितने सक्षम हो और कितने रूप से तैयार हो, क्योंकि परीक्षाएं तो आपने बहुत दी होंगी और विज्ञापन भी आपके सामने बहुत सारे आए होंगे। आज तो आप तैयारी कर नहीं रहे हो, 10 12 साल से तैयारी कर रहे होगे, है ना। इन 10 12 सालों में आपने बहुत टीजीटी पीजीटी देखा होगा, बहुत सुपर टेट देखा होगा, बहुत जो है आपने एलटी ग्रेड देखा होगा, बहुत जीआईसी प्रवक्ता देखा होगा। दो चार भर्तियां तो मैं ऐसे ही गिना दूं, 2009 में भी जीआईसी प्रवक्ता आया था, 2021 में भी जीआईसी प्रवक्ता आया है ना, एलटी ग्रेड 2018 में भी हुआ था, 2022 में भी एलटी ग्रेड आने चल रहा है। तो जाहिर सी बात है विज्ञापन बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप वहीं को वहीं रह जाते हो और आपके सामने आपके रिश्तेदार, भाई, नातेदार, दोस्त, ये सभी सिलेक्शन लेकर के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील नहीं हो।
आप सही मैटर का अध्ययन नहीं करते हो, जहां से जो क्वेश्चन पुटअप होता है आप उसका उसकी जो है मतलब था नहीं लगा पाते हो। पढ़ाई बहुत करते हो आप, एग्जाम आ जाता होगा तो 15-15, 20-20 घंटे पढ़ते होंगे आप इस उम्मीद में कि एक सीट मिल जाए। लेकिन आपको सही मैटर, सही कंटेंट आपको देखना है ना, कि हमको क्या मैटर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। नपा तुला जैसे मतलब चुनाव जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसमें कोई जो है मतलब दूसरे पार्टी में तोड़फोड़ मचाया है, दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहा है, कोई जो है मतलब कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ्री स्कूटी बांट रहा है तो कोई फ्री लैपटॉप दे रहा है, कोई फ्री बिजली दे रहा है तो कोई फ्री पानी दे रहा है ना। सब कोई रेवड़ी बांटने पर लगे हुए हैं कि देखते हैं कि जनता रूपी मधुमक्खियां किस रेवड़ी पे आकर के बैठती है है ना। तो ऐसे ही चीजें हैं, मतलब आपको तैयारी करनी है तो इस बेस पे करनी है कि हम जो पढ़ें, हम जो मैटर पढ़ें कम से कम उसमें से हमें 110 क्वेश्चन मिले जाए, तब तो आप फाइट में हो। अगर 110 से आप नीचे आए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या ओबीसी से आते हो, तब जाहिर सी बात है आपकी चांसेस जो सफलता के होते हैं वो 50-50 हो जाते हैं। 100 से नीचे आने के बाद तो सब कुछ खत्म है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको एक बार पूरी तन्मयता से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है। दिल लगा करके जुड़िए, मन लगा करके जुड़िए, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण इस चैनल ने कराया है जो कि कभी हो ही नहीं सकता था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता, सुपर टेट और आपका टीजीटी पीजीटी, देख लीजिएगा मेरी बातें सत्य होंगी। आपको ये चारों बड़े विज्ञापन इतनी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे और एक साथ ही देखने के लिए मिलेंगे कि आप स्वयं चक्कर गिन्नी बन जाओगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। बस इसी कंटेंट में पढ़ करके तो ये आपका सत्यानाश होता है। फिर आप सोचेंगे जी एस सी भी पढ़ लें, एलटी भी पढ़ लें, टीजीटीओ पढ़ लें, सुपर टेटो पढ़ लें, एडेड जूनियरों पढ़ लें, तो वही हाल होता है कि आप जो है मतलब सबके लिए दौड़ेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर वैकेंसियां फाइनल हो जाएंगी, फिर आप बेरोजगार ही रह जाओगे। तो इन सारी चीजों से अगर आपको बचना है, एक सार्थक सत्य और तत्परक चीजें पढ़नी है अपनी सफलता आदि के लिए, तो उन सफलता के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से। ईमानदारी इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, स्वयं के प्रति ईमानदार बने और तैयारी करें। तैयारी जब आप करेंगे उसमें अच्छे मैटर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। सही मार्गदर्शन गुरु बिन होए न ज्ञान, है ना। जब तक आपको गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं ले सकते। तो मार्गदर्शन देने के लिए, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। आप उसे प्राप्त करिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए और एक सीट चाहे एलटी में, चाहे सुपर टेट में, चाहे एडेड जूनियर में, चाहे टीजीटी पीजीटी में, चाहे एसडीआई में, आप एक सीट प्राप्त करिए और अपनी सफलता का जश्न मनाइए अपने परिवार के साथ। टीजीटी पीजीटी के लिए भी बातें हुई हैं, समायोजन आदि का जो मुद्दा है बहुत जल्दी ही सट आउट होने वाला है, उसके बाद आपको नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। निश्चिंत रहिए इसके लिए 2011 में जितने कम पदों पर विज्ञापन आया था उससे कहीं अधिक पदों पर विज्ञापन आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको इससे निराश या परेशान या हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक सीटें तो चाहिए, आने दीजिए विज्ञापन जितने पदों पर आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या एलटी, क्या सुपर टेट, कुछ नहीं, मारिए सब गर्दा हो जाए महाराज, कुछ नहीं रखा है इसमें। बस आपको ईमानदारी से तैयारी करने की आवश्यकता है। गलत कंटेंट को दरकिनार करिए। जब सरकार एग्जाम डिले करती है तो लोग कहते हैं एग्जाम